इंग्लिश पेपर सी बी एस ई फर्स्ट एग्जाम पेपर आई होप आल ऑफ योर प्रिप्रेशन इज़ वेरी गुड एंड आफ्टर दैट पेपर एस आई अर्यर आई विल अपलोड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लस टू फॉर क्लास प्लस टू फिजिक्स जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे अपलोड कीजिए कि जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जिन क्वेश्चन को करके हम ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते तो स्टूडेंट आज मैं कुछ वही टेक्निक आपसे डिस्कस करूँगा कि जो टेक्निक फॉलो करके आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं स्टूडेंट जब भी हम सी बी का पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है वो हमें माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उन पॉइंट्स को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमें ज़्यादा स्कोर ले सकते हैं हमारी यदि तैयारी थोड़ी भी है तब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं तो मैं आज के वीडियो में आपसे वही डिस्कस करूँगा कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं कि जिन चैप्टर को करके हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं सो स्टूडेंट मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जैसे हमें पता है कि फिजिक्स में जो हमारे पास चैप्टर की फिफ्टीन चैप्टर हैं टोटल जो हमारे पास चैप्टर बनेंगे वो फिफ्टीन चैप्टर है और जो हमारे पास यूनिट्स होंगी यूनिट्स हमारे पास वन टू टेन यूनिट्स हैं ये आप सभी को पता है इस टाइम पे आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट होगी क्योंकि आपको सिर्फ दो छुट्टियां हैं और टू हॉलीडेज़ के बाद आपका फिजिक्स का पेपर है तो बीच में आपको जैसे पता है कि शिवरात्रि का फेस्टिवल भी आ रहा है तो उसमें भी आप इन्वॉल्व होंगे लेकिन फिर भी पहले जो आपका शिवरात्रि में जरूर आप इन्वॉल्व हों लेकिन पहले जो आपका मेन फोकस है वो आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए कि पूरा साल आप इसी के लिए मेहनत कर रहे हो कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें तो सबसे पहले जो टारगेट होगा वो आपका एग्जाम होगा ये आपने हमेशा याद रखना है स्टूडेंट जैसे मैं बात कर रहा था स्कोरिंग की जैसे देखो कि हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट्स हैं फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट इन तीनों यूनिट्स को मिला हमारे पास थर्टी का पेपर आता है डिटेल्ड कितना किस में से आता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा फिर भी रफली बता देता हूँ फर्स्ट यूनिट आपके पास एट मार्क्स में सेकेंड सेवन का थर्ड एट का एंड अगेन फोर्थ एट का उसके बाद हमारे पास ऑप्टिक्स है ऑप्टिक्स एक हमारे पास बेसिक टॉपिक है और ऑप्टिक्स में जो सबसे ज्यादा पेपर आता है वो पेपर हमारे पास फोर्टीन मार्क्स का है जब मैंने स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से अपलोड किए हैं तो मैंने उसमें ये ख्याल रखा है कि जो भी चैप्टर या जो भी यूनिट आपके जितने मार्क्स का है वो मैंने साथ में मेंशन किया हुआ है ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े स्टूडेंट कुछ हमारे पास जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी एक्चुअल में हमें न्यूमेरिकल अपेयर होते हैं लेकिन सी में स्टूडेंट्स का क्या है सी सिर्फ स्टूडेंट्स का चेक करता है कि उसका लेवल कितना है उसका आई लेवल कितना है यदि आपको टॉपिक वो कितना क्लियर है उसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन बुक घुमा के पूछेगा कभी भी क्वेश्चन आपको स्टेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं आता कि स्टेट एंड प्रूव गोसिजला घोसिज ला को ही पूछना है तो आपको ये प्रॉब्लम दी होगी कि लेट वी हैव ए पॉइंट चार्ज प्लस और माइनस क्यू एंड अराउंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू सम डिस्टेंस हाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद द डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड दैट सो जस्ट दिस वाज द जस्ट फॉर द एग्जांपल सो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है आप लोगों की सभी एक तैयारी होगी हो होगी मैं सिर्फ आपको जो क्वेश्चन हैं इसमें हम आपको श्योर करता हूँ कि आप नाइनटी प्लस नाइन्टी परसेंट प्लस स्कोर गेन कर सकते हैं वो इजली है लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ पेपर को देख के आप स्कोर गेन कर सकते हो सबसे बड़ी जो बात है सबसे बड़ी आपकी हार्ड वर्क है हार्ड वर्क इज द सक्सेस ऑफ़ द की मैं सिर्फ ये एक फिलोसफर की लैंग्वेज से नहीं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल एक रियलिटी है हमें भी पता है कि हम जैसे पेपर करते हैं हमें मैं भी खुद एक टीचर हूँ हम कभी भी पेपर चेक करें तो पेपर का अटैम्पटेशन क्या है वट इज द वे ऑफ द पेपर सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं वही डिस्कस करूँगा लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकिन इनका ये मतलब नहीं है कि सारा सारा पेपर इसी में से आएगा स्टूडेंट मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट ए पेपर सेटर पेपर सेटर कोई और है लेकिन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं कि ये एक्सपेक्टेड हैं ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो फिर आप अपनी तैयारी को आप एक रीचेक दे सकती हो कि क्या ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं आ रही है मीनस कि आपकी तैयारी अच्छी है यदि आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तब आपको और ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है सिर्फ आपके पास है कितना स्टूडेंट सिर्फ आपके पास फोर्टी एट आवर्स के बाद पेपर आपका होगा आज ऐसे सेकेंड है सिर्फ आपको थर्ड और फोर्थ को ही छुट्टी है ठीक है ना थर्ड और फोर्थ को और फिफ्थ को फिर आपका पेपर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होंगे तो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करूंगा सिर्फ आपको क्वेश्चन का एक थोड़ा सा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे आएंगे यदि फिर भी स्टूडेंट इसके बारे में कोई भी आपको डॉट लगता है कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं उनका आंसर दे सकूं बाकी यदि आप मेरे चैनल से और भी जुड़ते हैं तो आने वाले टाइम में और भी जैसे नीट के एग्जाम है नीट में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेई में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन करके हम पेपर को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं वो भी स्टूडेंट कुछ वीडियो मेरे नेट पे पड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हो और कुछ है मैं आने वाले टाइम में जरूर अपलोड करूंगा तो भाई मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि हम कैसे इसमें स्कोर गेन कर सकते हैं स्टूडेंट जैसे मैंने आपसे बताया कि जो यूनिट वन है जैसे हमारे एट मार्क्स में आता है इसमें हमारे पास जो चैप्टर इंक्लूड होंगे चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर यूनिट नंबर टू सेवन थ्री एट फोर्थ एट फिफ्थ थ्री सिक्स फोर्टीन मार्क्स सिक्स मीन्स ऑप्टिक्स रे एंड बेव दिज आर द चैप्टर नंबर नाइन एंड टेन अगेन यूनिट नंबर सेवन फोर मार्क्स यूनिट नंबर एट सिक्स मार्क्स यूनिट नंबर नाइन सेवन मार्क्स यूनिट नंबर टेन फाइव मार्क्स टोटल सेवेंटी मार्क्स बट स्टूडेंट आपको एक और याद रखना है एक आपको जैसे मैं अभी बताना भूल गया आपके पास जो आपके एग्जामिनेशन स्कीम है वो चेंज हो चुकी है अभी आपको जो च्ईसेज है च्वाइज आपको याद आएंगे और सी ने जो भी सैम्पल पेपर आपको दिया है जो भी सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है सीबीएसई का सैंपल पेपर मैं ये आपको लिख देता हूँ सीबीएसई सैंपल पेपर टू सैंपल पेपर उस सैंपल पेपर को आप जरूर रिव्यू करें क्योंकि फॉर्मेट लगभग वही रहता है सीबीएसई के क्वेश्चंस होंगे उस फॉर्मेट्स में ज्यादा नहीं आएंगे स्टूडेंट तो 15 टू 20 परसेंट क्वेश्चन हो सकता है कि उसी फॉर्मेट में आपको मिले उसी फॉर्मेट को करके आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं सो so, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए जो भी मैं आपको अपलोड करके बताऊंगा इन सभी क्वेश्चन का जो लिंक है साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उन सभी क्वेश्चन का लिंक देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि हर एक यूनिट में मैंने कोशिश की है कि मैं उसके मार्क्स लिख सकूं और उसमें कौन कौन से चैप्टर हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो लगती है स्टूडेंट्स तो यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और, और भी अपने स्टूडेंट्स को और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको चैनल को रेफर करने के लिए बोलें ठीक है जितना स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही मेरे लिए बेनिफिट होगा मेरे भी इंस्पायर हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सूँ ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें सो स्टूडेंट्स में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये फॉर्मेट होगा इन सभी का स्टूडेंट्स मेरे को पता है कि इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि इस वीडियो को अपलोड करके आप पूरा देख सको ठीक है ना तो फिर भी मेरी ट्राई यही रहेगी कि मैं साथ में डिस्क्रिप्शन लिंक इसका दे सकूं ताकि आप पीडीएफ फोल्डर डाउनलोड करके आराम से अपनी तैयारी को री चेक कर सको स्टूडेंट्स मेरी कोशिश यही है जैसे देखो ये यूनिट नंबर सेकेंड है यूनिट नंबर सेकेंड का मीन्स चैप्टर सेकेंड दिस चैप्टर वाज इज ऑफ द सेवन मार्क्स तो ऐसे ही स्टूडेंट्स और भी चैप्टर आपके पास मिलेंगे जो जो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ लेकिन स्टूडेंट्स साथ में मैंने आपको जैसे बताया आपको जरूर फोकस करना है वो दो कन्सेप्ट क्या है सी बी एस ई का सैम्पल पेपर सी बी एस ई का सैम्पल पेपर और सेकेंड कन्सेप्ट इज स्टूडेंट्स एन सी आर टी बुक एन सी आर टी बुक स्टूडेंट्स स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो भी रेफरेंस बुक है उन्हीं को पीछे भागते हैं लेकिन स्टूडेंट्स सी बी एस ई कभी भी जो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसी से कोई पेपर आएगा वो फोकस आर आपको एन सी आर टी करेंगे तो एन सी आर टी का चाहे वो एग्जाम्पल है चाहे वो आपके पास लास्ट एक्सरसाइज है चाहे वो आपके पास कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तीन टाइप के आपके पास क्वेश्चन होते हैं एनसीआर में तो तीनों टाइप के क्वेश्चन को आपको रिव्यू जरूर करना है आपके पास टाइम सिर्फ उतने मोस्टली स्टूडेंट्स ने तैयारी कर ली होगी फिजिक्स की सिर्फ ये दो छुट्टियों में आप उसको रिव्यू करोगे कि आपकी तैयारी कितनी है और कैसे आप उस तैयारी को अच्छा कर सकते हो ठीक है स्टूडेंट्स तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो मैं आपको यही अपलोड करके दे रहा हूँ यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी इसमें आप मॉडिफिकेशन या कोई भी सजेशन आपके पास है तो इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें मैं कोशिश करूंगा कि ताकि आने वाले वीडियो में उसको इंक्लूड कर सकूँ थैंक यू वेरी मच